फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कहां पर विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा, अब बड़ी खबर ये, कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है। होटल फेयरमाउंट में बसेस लगा दी गई हैं, कुछ ही देर में बसों में सवार होंगे विधायक। होटल फेयरमाउंट से जयपुर एयरपोर्ट ये बसेस जाएंगी। 11:30 बजे चार्टर विमान से कुछ विधायक जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे जयपुर से बाहर भेजा जाएगा, जैसलमेर भेजा जा सकता है, उदयपुर भेजा जा सकता है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं था और अभी ये कंफर्म हो चुका है कि जैसलमेर भेजा जाएगा। इन विधायकों को कुछ ही देर में बसों में सवार होकर जयपुर एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से चार्टर विमान के द्वारा जैसलमेर पहुंचेंगे। 11:30 बजे चार्टर विमान से कुछ विधायक जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। लगातार तमाम अपडेट आपको सियासी संग्राम से जुड़ी हम दे रहे हैं और इसी कड़ी में अब बड़ी खबर ये कि जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को और कुछ ही देर में बसों में सवारी विधायक होंगे। 11:30 बजे चार्टर विमान से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। होटल फेयरमाउंट में बसेस लगा दी गई हैं, इन बसेस में रवाना होकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से चार्टर विमान के द्वारा जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर पहले आपको लगातार हम जैसलमेर में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी बता रहे थे, क्या क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं उससे जुड़े भी तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। और अब बड़ी खबर ये कि कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है। 11:30 बजे चार्टर विमान से कुछ विधायक रवाना होंगे जैसलमेर के लिए और साथ ही होटल फेयरमाउंट में बसेस लगा दी गई हैं और इन बसेस में रवाना होकर सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से चार्टर विमान के द्वारा जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। जैसलमेर में जो इंतजाम हैं वो भी हमने आपको बताया, किस प्रकार से वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी होटल सूर्यागढ़ बहुत खास माना जाता है। आसपास का जो इलाका है वहां पर ज्यादा चहलकदमी वहां पर नहीं होती है और इसीलिए शायद होटल सूर्यागढ़ को चुना गया है और वहां पर भी तमाम इंतजाम लगातार हो रहे हैं। कुछ ही देर में बसों से रवाना होंगे। चलिए और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, फिलहाल देखिए बड़ी खबर ये है कि जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है, लगातार कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब कंफर्मेशन मिल चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बैठक होगी और बैठक के बाद जो रणनीति बनाई जाएगी उसके बाद रवाना होंगे? बिल्कुल मनीषा, कुछ ही देर बाद यानी कि यहाँ होटल फेयरमाउंट से बसें हैं वो रवाना होंगी। फिलहाल होटल फेयरमाउंट में बसें लग चुकी हैं और विधायक हैं वो अपना सामान रख रहे हैं, उसके बाद यहाँ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। दो चार्टर मंगवाए गए हैं दिल्ली से और उनसे जैसलमेर ले जाया जाएगा। अभी 11:30 बजे चार्टर से कुछ विधायक रवाना होंगे, उसके बाद 3:30 बजे बताई जा रही है दूसरे चार्टर से रवाना होंगे। जैसलमेर में होटल सूर्यागढ़ है, दूसरी होटल मेरियट है, तो दोनों में से ये अभी तक तय नहीं है कि कौन से होटल में इनको जाएगा। जहां तक संभावना जताई जा रही है कि सूर्यागढ़ होटल में इन विधायकों को रखा जाएगा, लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि जो मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इनके साथ वहां पर रहेंगे, मंत्री हैं वो भी वहां पर रहेंगे जैसलमेर में ही, और कुछ देर बाद यहाँ से ये विधायक हैं वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन बसों से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कल भी हमने जब विधायक दल की बैठक तो हमने कहा था कि इन विधायकों को अन्यत्र शिफ्ट किया जा सकता है। कुछ विधायकों ने ये मांग भी रखी थी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, क्योंकि यहाँ पर 20 दिन के करीब हो गए हैं तो विधायकों का मन भी भर गया यहाँ से और दूसरी जगह पर रहना चाहते हैं। 15 दिन अभी और रहना है, 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो ऐसे में इन विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कल कई विधायकों ने मांग रखी थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के नेताओं से चर्चा की, विधायकों से चर्चा की, उसके बाद ये निर्णय लिया। रात ये लगभग फाइनल हो गया था कि इन विधायकों को जैसलमेर रखा जाएगा और कुछ देर बाद अब यहाँ होटल फेयरमाउंट से बसों के द्वारा ये विधायक रवाना होंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से चार्टर के द्वारा जैसलमेर ले जाया जाएगा। देखिए 14 अगस्त को जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो उससे पहले इन विधायकों को
एक साथ पर लाया जाएगा, फिर उसके बाद ही विधानसभा जाएंगे सब एक साथ। जी दिनेश, देखिए हमने हमारे सहयोगी योगेश गज्जा से भी कुछ ही देर पहले बात की थी, वहां के जो इंतजाम हैं वो लगातार जोरों पर हैं, तो खास बात यहां से ये निकलकर आ रही है कि दो होटल सूर्यागढ़ या फिर मैरियट का नाम सामने है, लेकिन होटल सूर्यागढ़ में जिस प्रकार से इंतजाम फिलहाल किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है वहीं शिफ्ट किया जाए, और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? आपने कहा मुख्यमंत्री भी वहां जाएंगे। बिल्कुल, ये लेटेस्ट अपडेट है, हमारे सूत्रों ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं पिछले 20 दिन से यहाँ पर होटल फेयरमाउंट में विधायकों के साथ ठहरे हुए थे जी। और अब जो लेटेस्ट अपडेट है यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर भी विधायकों के साथ रहेंगे, तमाम जो मंत्री हैं वहां पर रहेंगे। कल जब सीएमआर में बैठक हुई तो सभी जो जो प्रभारी सचिव हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो दिल्ली के प्रभारी सचिव हैं मंत्रियों के साथ, तो सभी आईएएस अधिकारी जो प्रभारी सचिव हैं उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निर्देशित कर दिया था कि आपको अपने जिलों प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहना है और तमाम वहां की जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर हो या और जो फ्लैगशिप योजनाएं हो या सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है उनकी मॉनिटरिंग करनी है, पूरी व्यवस्थाएं देखनी है, तो हो सकता है कि वहां पर बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी मॉनिटरिंग करे और वहीं से जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकार की तो वहां से ही जैसलमेर से ही सरकार अब आगामी 15 दिनों तक संचालन हो। तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों जैसलमेर में ही रहेंगे। इस तरह से खरीद फरोख्त आशंका जताई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि अब तो मुंह मांगी कीमत दी जा रही है, इस तरह की खबरें हमारे सामने आई है। तो ऐसे में विधायकों को बचाने, खरीद फरोख्त से बचाने और एकजुट रखने के लिए ये पूरे प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए जा रहे हैं। पहले जिस तरह की आशंका के चलते यहाँ पर लाया गया और जिस तरह के हालात आज राजस्थान में बने हुए हैं विधायकों की खरीद फरोख्त के, तो ऐसे में इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम है उसमें किस तरह से अपनी रणनीति को पूरे अंजाम दिया जाए, इसके लिए कल विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद तय हुआ कि अब जयपुर के बजाय दूसरे स्थान पर विधायकों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कई विधायकों के करीब 2 दर्जन से अधिक विधायकों के फैमिली भी होटल में मौजूद हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। अधिकांश क्षेत्रीय जो लोग हैं वो भी अब परेशान होने लगे हैं, तो वो भी मिलने के लिए अब आने की कोशिश करने लगे हैं। तो लगातार इस तरह की जो बातें सामने आई उनको लेकर यह निर्णय लिया गया कि अब विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, तो दूसरी जगह जैसलमेर का चयन हुआ और जैसलमेर में होटल सूर्यगढ़ में ही माना जा रहा है कि विधायकों को वहां पर रखा जाएगा। जी अच्छा दिनेश, देखिए लगातार जिस प्रकार से पहले मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि मंत्री जो हैं वो जयपुर में ही ठहरेंगे, जरूरत पड़ी तो सचिवालय जाएंगे और जो कामकाज है उनको वहां से वो संभालेंगे, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ में जाएंगे और आगामी जो 15 दिन है वहां पर उनके साथ रुकने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं उनको बरकरार रखने के लिए, और साथ ही जो लगातार मुख्यमंत्री खुद भी कहते आए हैं कि भाजपा और अब जो बसपा ने दखलंदाजी बीच में देना शुरू किया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि खुद वो सारी व्यवस्थाओं का जायजा भी लें, साथ ही खुद वहां पर मौजूद रहे ताकि हर एक कह सकते हैं कदम पर उनकी नजर रहे। मनीषा, विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है, 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो ऐसे में पूरी लड़ाई है वो नंबर गेम की है। बिल्कुल, जब फ्लोर पर जाएंगे बीजेपी की जिस तरह से रणनीति है, बसपा के विधायकों को लेकर हो जिस तरह कोर्ट में गई, बीएसपी भी कोर्ट में गई है, बीजेपी की ओर से भी याचिका दायर की गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई गई है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को लेकर अपनी रणनीति को पूरी अंजाम दे रहे हैं कि किस तरह से अपना नंबर गेम है वो सुरक्षित रखा जाए, विधायकों को खरीदने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल जब वो मीडिया से बातचीत करने आए तो उन्होंने ये कहा कि अब तो मुंह मांगी कीमत दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि विधायकों से कहीं से संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार लोग अब यहाँ पर होटल में आने के प्रयास करने लगे हैं, उनके समर्थक हैं, क्षेत्र के लोग हैं, तो इनसे कैसे बाहर ले जाकर इन विधायकों को सुरक्षित रखा जाए, बीजेपी से जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं तो उनसे कैसे बताया जाए, इसके लिए ये रणनीति बनाई है। और देखिए अभी तक ये फाइनल नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे, लेकिन जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधायकों के साथ रहे हैं। देखिए पहले की घटनाक्रम देखें, पिछले 20 दिन लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल में ही रहे हैं। बिल्कुल, चाहे बैठक करते हो तो सीएमआर जाते, कैबिनेट की बैठक हुई तो सीएमआर गए, या फिर कोरोना की समीक्षा बैठक की, रिव्यू बैठक की, और कोई बात हुई तो सीएमआर गए, लेकिन पिछले 20 दिन से लगातार होटल में ही कैंप किए हुए हैं, तमाम विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। जी आगामी जो रणनीति है वो तमाम विधायकों के साथ बैठकर उन्होंने
चर्चा के बाद ही आगामी जो रणनीति बनाई, तो ऐसे में यही माना जा रहा है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के साथ रहेंगे, अकेला नहीं छुड़ेंगे, और जिस तरह से बीजेपी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, देखिए इस घटनाक्रम में जो भी पूरी भूमिका है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद प्रकरण है उसको हैंडल कर रहे हैं, और जिस तरह के सियासी घटनाक्रम आज राजस्थान में बने हैं, तो ऐसे में अब यही माना जा रहा है कि वो खुद विधायकों के साथ रहेंगे और जैसलमेर से ही पूरी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जी दिनेश, देखिए लगातार खुद मुख्यमंत्री भी, तमाम मंत्री और विधायक भी लगातार कहते आए हैं कि वो एकजुट हैं और किसी प्रकार का संकट भी नहीं है, एक साथ वो हैं, लेकिन अब जो मौजूदा फिलहाल हालात जो बने हुए हैं, जो मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है, किसी प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं विधायकों की वो सामने आ रही हैं? देखिए कल विधायकों से जब विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए थे, विधायकों ने हालांकि डिमांड रखी थी दूसरी जगह करने की, तो कल ही उन्होंने विधायक कांग्रेस नेताओं से और विधायकों से चर्चा के बाद उनको ये निर्देश दिए गए थे, चीफ व्हिप महेश जोशी उनकी ओर से पूरी तरह से तैयार है दूसरी जगह शिफ्ट करने की जो योजना है वो बता दी गई थी, लेकिन विधायकों को अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि कहाँ उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें सामान पैक करने के निर्देश दे दिए गए थे, तमाम जो विधायक हैं उनसे अभी कुछ देर पहले ये निर्देश दिए कि आप बाहर आएं और बसों में बैठ जाएं, अपना सामान लें, तो बसों में बैठने की तैयारी है वो शुरू हो गई है और विधायक हैं अपने सामान के साथ बसों में बैठ रहे हैं और कुछ ही देर बाद बसें यहां से रवाना होगी। जी दिनेश, बैठक होनी थी, क्या बैठक हो गई, क्या रणनीति उसमें रही, कुछ निकलकर सामने आया? देखिए करीब आधा घंटे पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने विधायकों से वन टू वन बातचीत की, अलग अलग विधायकों से चर्चा की है, जो विधायक दल की बैठक का समय 10 बजे करने था तो बैठक हालांकि नहीं हुई, लेकिन वन टू वन बातचीत विधायकों से मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, अब माना जा रहा है कि ये जहां विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा तो उसके बाद ही वहां पर एक साथ विधायक दल की बैठक हो। जी अच्छा दिनेश, देखिए क्योंकि अब लगातार जो अपडेट फिलहाल मिल पा रही है उसके अनुसार, जैसे मुख्यमंत्री भी अगर वहां जाते हैं और वहीं पर आगामी 15 दिनों के लिए रहते हैं, किस प्रकार से प्रदेश के जो कामकाज हैं, भले ही कोरोना को लेकर जो अधिकारियों से फीडबैक लेना हो या फिर जो तमाम प्रदेश की जो निगरानी है वो किस प्रकार से रखी जाएगी, क्या क्या वहां पर किया जाएगा, वहां से किस प्रकार से पूरे प्रदेश पर नजर रखी जाएगी? देखिए पिछले 20 दिन से जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट में थे तो यहाँ से भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जब कैबिनेट की बैठक होती है तो सीएमआर जाते हैं, बैठक होती है, चाहे कोरोना की रिव्यू बैठक करनी हो या और किसी योजना के संबंध में अधिकारियों से चर्चा करनी हो या प्रदेश की व्यवस्था को लेकर करनी हो, आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, यहाँ से भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, वहां से भी पूरी मॉनिटरिंग की जा सकती है, अधिकारियों को कल उन्होंने बैठक कर निर्देशित कर दिया था, जो प्रभारी सचिव हैं जिलों के उनको भी अपने प्रभार वाले जिलों में दौरे पर जाने के निर्देश दिए गए थे, तो पूरी मॉनिटरिंग यहां से भी कर रहे थे और आगामी जो किस तरह की कार्य योजना रहेगी वो भी पूरी तरह से जनता के हित में होगी और आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ से भी प्रयास किए गए और वहां से भी यही प्रयास मुख्यमंत्री की ओर से रहेंगे। जी दिनेश, और अधिक आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि देखिए आपने दो होटल्स के नाम बताए, सूर्यागढ़ और मैरियट, और लेकिन जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं वो होटल सूर्यागढ़ में ज्यादा तरीके से की जा रही हैं, अभी खबर यही आ रही है वहां पर जो इंतजाम हैं वो जोरों से चल रहे हैं, तो वहां से कोई जानकारी मिल पा रही है होटल सूर्यागढ़ ही रहने वाला है या फिर मैरियट के भी कहीं ना कहीं चांसेस? देखिए जब जैसलमेर का नाम सामने आया कि जैसलमेर विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है तो जैसलमेर में दो होटल हैं मुख्य रूप से जहां पर पूरी व्यवस्थाएं हैं और विधायकों को एक साथ रहाया जा सकता है, होटल मैरियट में भी है और होटल सूर्यागढ़ में भी है, लेकिन जैसा आपने बताया हमारे वहां पर जो संवाददाता है उन्होंने बताया कि जो वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है उनके हिसाब से तमाम विधायकों को होटल सूर्यागढ़ में ही ठहराया जाएगा, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाओं को देखते हुए हो या फिर जिस तरह से विधायकों की संख्या को देखते हुए कितने रूम वहां पर हैं और एक साथ रखे जा सकते हैं इस हिसाब से व्यवस्था की गई है, तो तमाम विधायकों को अब जिस तरह की खबर मिल रही है, हालांकि देखिए विधायकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है, उन्हें नहीं बताया गया है कि किस होटल में ले जाया जाएगा, तो वहां से जिस तरह की जानकारी मिल रही है
होटल सूर्यगढ़ की मिल रही है कि होटल सूर्यगढ़ में ही विधायकों को रखा जाए। जी देखिए, कहीं ना कहीं बहुत ही गहन चिंतन किया होगा उसके बाद में होटल सूर्यगढ़ को चुना गया है, क्योंकि जो इलाका है वहां पर चहलकदमी बिल्कुल नहीं है, साथ ही बहुत दूर भी है, मेन जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर जिस प्रकार से बाहर चहलकदमी है नहीं, और जो बाहर के लोगों से जो है संपर्क कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, और साथ ही जिस प्रकार से लगातार जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन वहां पर इंतजामात का जो जायजा ले रहे हैं, उसके अनुसार सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत तरीके से होटल सूर्यगढ़ को चुना गया है। बिल्कुल, विधायकों को सुरक्षित और एकजुट रखने के लिए ऐसे स्टैंड का चयन किया जाता है। यहाँ भी जब पहले राज्यसभा में रखा गया हो या अब रखा गया हो, शहर से दूर यहाँ कुकस में जो होटल है वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, होटल फेयरमाउंट में यहाँ पर रखा गया। ऐसे ही इन तमाम बातों को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पर होटल सूर्यगढ़ का चयन किया गया है, और सूर्यगढ़ में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो विधायकों के चाहिए। विधायकों का जैसे चाहे सुबह शाम स्पोर्ट्स का हो, योगा का हो, ग्राउंड व्यवस्थाएं हैं, 5-स्टार होटल है, पूरी तमाम व्यवस्थाएं हैं वहां पर मिलेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी शहर के शहर से दूर होटल है तो एकांत में है, किसी तरह की कोई खतरा नहीं है। जिस तरह के प्रयास और कोई संपर्क किसी ओर से किया जाए तो एकांत में होटल है और किसी का कोई खतरा वहां पर नहीं है। सभी को एकजुट रखने के जो प्रयास है वो तमाम बातों को देखते हुए ही होटल का चयन किया गया है। जी दिनेश, एक और जानकारी आपसे ये चाहेंगे। देखिए 11:15 हो चुके हैं और 11:30 बजे का समय निर्धारित है, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? कुछ देर पूर्व जब हमारे जो निजी सोर्स हैं उनसे जानकारी बातचीत हुई अंदर, तो विधायकों के लिए बसें लग चुकी थी और विधायकों को ये निर्देश दिया गया जिन विधायकों पर उस पहली सूची में हमें जिन 11 बजे की फ्लाइट से जाना है उनको ये निर्देश दिए गए थे कि आप तैयार हो, अपना सामान बसों में रखें और उसके बाद के बाद बसों में सवार हो। तो जिन विधायकों को क्लिप लगाया चार्ट में जाना है तो उन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बातचीत करें और तमाम विधायकों को जो भी जरूरी निर्देश है। दिनेश एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहें और जानकारी हम आपसे लेंगे। लेकिन देखिए फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि कुछ देर में बसों में रवाना होकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद में चार्टर विमान से वहां से रवाना होंगे 11:30 बजे के करीब जैसलमेर के लिए। और जैसलमेर के होटल में सूर्यगढ़ में जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी भी हमने आपको दी है, जिस प्रकार से जिला कलेक्टर भी पुलिस प्रशासन भी लगातार वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिहाज से भी तमाम इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, और साथ ही जो ठहरने की व्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी उसको लेकर भी वहां पर जो गहमा गहमी का माहौल है वो है। और साथ ही सूर्यगढ़ होटल बहुत ही सोच समझ कह सकते हैं चुना गया है, चहलकदमी वहां पर आसपास नहीं है, जो इलाका है वो बहुत शांत है और साथ ही मेन जैसलमेर से दूर भी है, ताकि इस प्रकार की कहीं कोई संभावनाएं या फिर कोई भी चांस नहीं रहता कि किसी और के संपर्क में आए। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली, हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ में जाएं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जिस प्रकार से होटल फेयरमाउंट से भी पिछले कुछ दिनों से जो सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, होटल फेयरमाउंट से भी जनता के जो हित के कार्य हैं वो किए गए, वहां पर भी लगातार फीडबैक लिए जा रहे थे क्या प्रदेश में हालात बने हुए हैं, भले ही वो कोरोना को लेकर हो या फिर और किसी चीज को और किसी व्यवस्था को लेकर हो, वहां पर भी चर्चाओं का दौर जो है वो लगातार जारी रहा था, किसी प्रकार से जनता बीच में त्रस्त ना हो इस चीज का बहुत ख्याल रखा जा रहा था। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार यही है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर जाते हैं, मंत्री जो हैं वो वहां पर जाते हैं, तो वहां से भी प्रदेश पर नजर रखी जाएगी, प्रदेश के जो हालात हैं उनकी समीक्षाएं लगातार वहां पर होती रहेंगी और साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी सुचारू रूप से वो चलती रहें इसके लिए भी लगातार आश्वस्त किया जा रहा है। और साथ ही जो विधायक हैं उनको ये आश्वासन दिया गया है, ये कहा गया है कि जो उनके गृह जिले हैं उनकी जो तमाम समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी
होता रहेगा, कोई किसी प्रकार की शिकायत उन्हें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बहुत खास बात यहाँ पर निकलकर सामने आ जाती है। फिलहाल जो होटल सूर्यगढ़ है वहां पर इंतजामातों का जो दौर है वो लगातार जारी है। तमाम इंतजामात वहां पर लगातार किए जा रहे हैं। सुबह से ही जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी ने भी बताया, योगेश गज्जा ने, कि किस प्रकार से वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और अंदर खाने की अगर बात करें तो अंदर भी तमाम व्यवस्थाएं विधायकों के अनुसार उनके लिहाज से की गई है। किस प्रकार से आगे जो रणनीति है वो भी वहां पर बनाई जाएगी, क्या इंतजाम वहां पर रहेंगे, उसके भी जो तमाम तरह की चीजें हैं वो वहां पर की गई हैं। होटल फेमाउंट में फिलहाल बसें लगा दी गई हैं। आपको बता दें कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार से गहमा गहमी का दौर बना हुआ था, कयास लगाए जा रहे थे आखिर जयपुर से बाहर तो शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जयपुर से बाहर कहां शिफ्ट किया जाएगा। तो अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जैसलमेर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। और साथ ही अगर होटल फेमाउंट की बात करें तो तकरीबन 20 दिन यहां पर हो गए हैं, परेशान भी सभी विधायक हो गए थे, उनकी भी मांग थी कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो जैसलमेर को चुना गया है और जैसलमेर में दो होटल्स जो बहुत ठीक हैं इनके लिहाज से, विधायकों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो होटल मैरियट और साथ ही होटल सूर्यगढ़। लेकिन जो सूर्यगढ़ होटल में फिलहाल व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसके अनुसार यही है कि होटल सूर्यगढ़ में इन सभी को ठहराया जाएगा। जानकारी ये भी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ और वहीं पर फिर से जो बैठक होगी वो होगी और आगे जो रणनीति रहने वाली है 14 अगस्त तक, क्योंकि 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन इस दरमियान किस तरह का जो पार्टी का रवैया होता है, क्या रणनीति होती है, आगे क्या कदम उठाने हैं और साथ ही प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, भले ही कोरोना को लेकर हो या फिर किसी अन्य गतिविधि को लेकर हो, तमाम जो फीडबैक है वो भी तमाम विभागों के अधिकारियों से वहीं पर लिया जाएगा। इस बीच कहीं भी जनता त्रस्त ना हो इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बहुत ध्यान रख रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि जो मंसूबे हैं विपक्ष के वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि आलोचना करना तो विपक्ष का काम होता है, लेकिन इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश करना, षड्यंत्र करना, कोशिश करना, ये बहुत गलत है। जनता इसके लिए कभी भी उनको माफ नहीं करेगी। लगातार प्रदेश की सियासी सरगर्मियों से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष जिस प्रकार की भूमिका इस समय में अदा कर रहा है बहुत गलत है, क्योंकि कोरोना का जो काल है उसमें सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहां पर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है बहती गंगा में हाथ धोने की, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हर एक कदम पर, हर एक चहलकदमी पर नजर बनाए हुए हैं।